राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि संविधान हमारा मार्गदर्शक है, छात्र संविधान की जानकारी रखते हुए राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, साथ ही वे अर्जित शिक्षा और ज्ञान के बल का सदुपयोग संपूर्ण मानवता कल्याण में करें। राज्यपाल मंगलवार को अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के 90वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। समारोह के विशिष्ट अतिथि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डॉक्टर राजेंद्र सिंह थे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों के समारोह में संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन कराने की शुरुआत अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से की। उन्होंने दीक्षांत समारोह में उपस्थित लोगों को प्रस्तावना और कर्तव्यों का वाचन कराया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए संविधान में प्रदत्त कर्तव्यों को युवा लोक आचरण में लाकर आगे बढ़े। इससे निश्चित तौर पर भारत देश को आगे बढ़ाने में और स्वयं के जीवन को भी प्रोन्नत करने में यह कदम बेहतरीन साबित होगा। सभी जो पदक धारक छात्र छात्राएं हैं, सभी को हम सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैंने तो अभिनंदन किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें छात्राओं ने बाजी मारी है। कुलाधिपति पदक भी एक छात्रा ने प्राप्त किया है, और 33 स्वर्ण पदक तो प्राप्त हुए हैं, जिसमें 25 स्वर्ण पदक छात्राओं को प्राप्त हुआ है। ये निश्चित रूप से छात्राएं बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।